नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक आदमी 30 किलोमीटर की यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है, शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है औसत चाल। औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी, अब कुल दूरी कैसे निकालेंगे, कुल दूरी है यहां 30 किलोमीटर और शेष कितनी है 40 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया 70 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल दूरी निकल के कितनी आई, कुल दूरी आ गई हमारी 70 किलोमीटर। अब हमें कुल समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो फर्स्ट समय यानी दो समय होंगे यहाँ पर, जब 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा तो 30 बटे चाल क्या है 6 से काटेंगे, 6 × 5 = 30, तो यहाँ पर 5 घंटा लगेगा। ठीक है, सेकंड समय क्या लगेगा, सेकंड समय में डिस्टेंस हो गई 40 किलोमीटर और भाग लगा 8 का, तो 8 से भाग देंगे तो यहां भी 5 घंटा निकल के आया। अब कुल समय निकाल देंगे, कुल समय बराबर यहां 5 + 5 = 10 घंटा। ठीक है, तो कुल समय आ गया 10 घंटा और कुल दूरी आई है 70 किलोमीटर। अब हम बस यही फॉर्मूले में मान रख देंगे तो औसत चाल आ जाएगी, औसत चाल बराबर कुल दूरी है 70 किलोमीटर, तो ऊपर आ जाएगा 70, फिर है कुल समय, समय आया 10 घंटा, तो 10 का भाग लगा देंगे, 10 × 7 = 70, तो औसत चाल क्या हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस सवाल को हमें इस प्रकार से सॉल्व कर लेना था। ठीक है, और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।